नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आंदोलन का लंबा चलना किसानों और सरकार दोनों के ही हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छा होगा कि अगर इसको मिलकर बैठकर तत्काल सुलझाया जाए। ये ऐसा मामला नहीं है जिसका हल नहीं मिल सकता। सत्यपाल मलिक ने आंदोलन के दौरान किसानों की मौत पर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, कुतिया भी मर जाती है तो उसके लिए भी हमारे नेताओं का शोक संदेश आता है, लेकिन 250 किसान मर गए लेकिन अब तक कोई भी नहीं बोला। ये मेरी आत्मा को दर्द देता है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राजस्थान के झुंझुनू में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि किसान आंदोलन में कोई समस्या नहीं है, इसको समझने और सुलझाने की जरूरत है। MSP का ही मुद्दा है, अगर इसे कानूनी रूप दे दिया जाए तो मामले का हल हो सकता है। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि यह आंदोलन अब देश भर के किसानों के बीच बड़ा मुद्दा बन गया है, अब इसे जल्दी सुलझाना चाहिए। मलिक ने कहा, मैं संवैधानिक पद पर हूँ, बिचौलिया बनकर काम नहीं कर सकता, किसान नेताओं और सरकार के नुमाइंदों को सिर्फ सलाह दे सकता हूँ, मेरा सिर्फ इतना ही रोल है। मलिक ने आगे कहा कि किसानों के सही दाम नहीं मिलने का मुद्दा आज का नहीं है, अंग्रेजों के वक्त भी ऐसा ही होता था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान मंत्री रहे छोटू राम और वायसराय का किस्सा साझा करते हुए कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय ने मंत्री छोटू राम से मुलाकात की और उनसे अनाज की मांग की थी। मलिक ने बताया कि छोटू राम ने तब कहा था कि अनाज किस मूल्य पर देना है ये मैं तय करूंगा। वायसराय ने जवाब में छोटू राम से कहा कि अनाज तो तुम्हें मेरे मूल्य पर ही देना होगा, नहीं दोगे तो मैं सेना भेजकर जबरन अनाज ले लूंगा। उन्होंने बताया कि इस पर छोटू राम ने कहा कि मैं किसानों से बोल दूंगा खड़ी फसल में आग लगा देना, लेकिन वायसराय को कम कीमत पर गेहूं कभी मत देना। इस खास खबर में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।